जहरीली शराब कांड, जी हां, 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी मृतकों के परिजनों को आज तक मुआवजा नहीं मिला है। इस मामले की खबर बहुजन समाज पार्टी की नेता विद्या गौतम को मिली तो वे भड़क उठी। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है, कहा है कि अगर पीड़ितों को जल्द से जल्द मुआवजा घोषित नहीं किया गया तो वे जल्द ही बड़ा आंदोलन करेंगी। क्या उनको सरकार की तरफ से कोई मुआवजा वगैरह अभी तक मिला है? अभी तक तो कुछ नहीं मिले। कौन सा गांव है आपका? बिंडू बड़ा। अभी थी? जी, मेरे बाबा जी थे। क्या नाम था? विश्वास कुमार। सरकार की तरफ से कोई मुआवजा वगैरह अभी तक मिला है? जी सर, कुछ नहीं मिला अब तक तो। सरकार ने ऐलान किया था, आपने कोई बात किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश की? हरिद्वार भी गए थे एक बार तो। अच्छा। भी कुछ नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, इसमें कारण है कि यहाँ इस गांव के कम से कम 18 लोग मरे हैं। एससी ओबीसी के बिरादरी के लोग मिले मरे हुए हैं, जिनमें सरकार ने वादा करा था कि उनको मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा का भी 1 रुपया किसी को नहीं मिला है। पूरा प्रयास रहेगा कि मैं सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय है, जो इसी तरह की लोगों के सुविधाओं के लिए बनाया गया है, जिस तरह से ये हुआ इस गांव में, तो हम चाहेंगे कि जो वहां से मिलने वाली जो भी सुविधाएं हैं हम उनको दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे।